সিমেন্টরি আছে না আচ্ছা যাব পারি ভিতর হ্যাঁ যাব পারি ঘুরব পারি না থ্যাংক ইউ हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैं शिवा शर्मा आज आप लोगों को लेके आया हूँ चांगकी जो कि ये एक विलेज है मोकोकचुंग डिस्ट्रिक्ट नागालैंड पे तो आज हम लोग आए हैं चांगकी मेरे फ्रेंड आयुष के साथ दोनों नागालैंड चांगकी जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये मोकोकचुंग डिस्ट्रिक्ट पे है और ये एक बहुत ही अच्छा व्यू पॉइंट बनाया गया है यहाँ पे देखिए ये यहाँ का सिमेट्री है और मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ यहाँ का का व्यू ऊपर का तो हम लोग दूसरे साइड भी जाएंगे उस साइड से और अच्छा व्यू आएगा ये जो सिमेट्री है आपका चंकी जो व्यू पॉइंट बना हुआ है उसके सामने ही है व्यू पॉइंट से आप लोग देख सकते हैं थोड़ी देर इधर पूरा फॉग हो गया था पर अभी थोड़ा सा धूप निकल गया इसी वजह से फॉग कम गया है अभी तो हम लोग इस साइड आ गए हैं इस साइड से जाके मैं आपको व्यू दिखाऊंगा शायद मेन एंट्री इस साइड है हेलो तो ये देखिए चांगकी का सिमेट्री बहुत ही खूबसूरत पहाड़ के ऊपर है ये पूरा सिमेट्री तो ये देखिए व्यू बहुत ही खूबसूरत से मेंटेन भी किया गया है इसको और ऐसे पहाड़ के बीचों बीच अगर आप इस तरीका का इतना सुंदर एक चीज़ बना दे वो भी सिमेट्री तो क्या कहेंगे बहुत ही लाजवाब चीज़ है ये और ये उसके नीचे देखिए ये और एक सिमेट्री है यहाँ सो ये पूरा सिमेट्री का ही जगह है यहाँ पे बना हुआ है लेयर लेयर बनाया गया है यहाँ पे देखिए जिसके जिसके जो जो लोग गुजर गए हैं यहाँ पे उन लोगों को दफनाया जाता है और बहुत ही प्यार से देखिए सभी का नाम लिखा गया है यहाँ पे और सभी स्लैब के ऊपर फूल वगैरह भी अच्छा सा सजाया गया है तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देख के ये शायद यहाँ जो लोग गुजर भी गए हैं उन लोगों को भी ये इतना प्यारा व्यू देख के और इतना खूबसूरत जगह में बहुत शांति लग रहा होगा तो उन लोगों के आत्मा को भी बहुत खुशी मिल रहा होगा यहाँ पे तो चलिए आगे निकलते हैं अब चांगकी पे कौन कौन सा डेस्टिनेशन है वो एक्सप्लोर करते हैं तो हम लोग निकले थे करीब करीब सुबह 7 बजे और हम लोग पहुँचे चांगकी 10:30 बजे है ना तो रास्ता भी बहुत ख़राब था इसी वजह से गाड़ी भी धीरे धीरे चलाना पड़ा तो कोई बात नहीं पर वर्थ टू विजिट प्लेस है ये
और वो आगे देख सकते हैं आप, चंकी का व्यू पॉइंट है वो। वीडियो बनाई से ओ गियर, बाइक गियर। ये है बास्केटबॉल फील्ड और फुटबॉल फील्ड है। तो शाम का समय तो बहुत ही खूबसूरत होता होगा यहाँ, जब लोग खेलते होंगे यहाँ पे। सो ये पूरा चंकी का एरिया है। और ऊपर देखिए आप लोगों को एक बैंक भी दिखाई दे रहा होगा, इंडियन बैंक। सो इतने पहाड़ के ऊपर एक बैंक भी है तो बहुत ही अच्छी बात है, इंडियन बैंक। और उसके आगे और एक व्यू पॉइंट है, देखिए वो दिखाई दे रहा होगा, तो उधर भी जाएंगे हम लोग। एक्सक्यूज मी ब्रदर, कैन आई गो अपस्टेयर विद दैट स्टेप्स? I can film over there, right? I can go up from here only? No, from where I can go? Okay, thank you. और ऊपर हम लोग जा सकते हैं बोले इन्होंने। सो ऊपर का व्यू मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ऊपर जाके। सो देखिए ऊपर का व्यू यहाँ से। तो ये है सिमेट्री चंकी, मोकोकचुंग डिस्ट्रिक्ट में है जो। तो बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ का। सो कितना अच्छा से देखिए यहाँ पे सभी सिमेट्री को रखा गया है। सो जिसके रिलेशंस वगैरह जो यहाँ पे दफनाए गए हैं, तो सभी को कितना प्यार से रखा गया है यहाँ पे। तो बहुत ही खूबसूरत लगा और बहुत ही अच्छा लगा देख के कि आदमी ज़िंदा रहते तो केयर होता ही, और मरने के बाद भी देखिए कितना अच्छा से सभी को रखा गया है। सो अच्छा लगा बहुत ही। और एक देखिए प्रोवर्ब लिखा गया है, लाइफ इज़ ए प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। सो बिल्कुल सही लिखा गया है, और लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहिए और डिस्कवर करना चाहिए जितना भी चीज़ हो, क्योंकि एक ही लाइफ मिलता है। तो सो आज जैसे कि संडे का दिन है, तो सभी लोग आज चर्च जा रहे हैं, संडे का दिन है इसलिए। कैन वी विजिट चर्च ओवर देयर? इट्स चर्च सर्विस, यू कैन विजिट आफ्टर चर्च। आफ्टर चर्च एट व्हाट टाइम इट विल ओवर? 12:30. Okay, thank you. So 12:30 के बाद हम लोग जा सकते हैं, चर्च विजिट कर सकते हैं, क्योंकि अभी चर्च में प्रेयर होगा। सो हेलो, कहाँ से आए आप लोग? जोरहाट। अच्छा ठीक है। सो चंकी जो है मेनली मुकुकचुंग डिस्ट्रिक्ट पे पड़ता है। ये एक विलेज है मुकुकचुंग डिस्ट्रिक्ट का, और ये एक टूरिस्ट स्पॉट टाइप भी बन गया है, क्योंकि इस विलेज का बहुत सारे चीज़ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और बहुत अच्छा से रखा गया है यहाँ पे। जैसे कि सिमेट्री आप लोगों को अभी मैंने दिखाया, और चर्च वगैरह है, और ऊपर एक व्यू पॉइंट भी है। और सबसे ख़ास बात यह है कि ये यहाँ का जो चंकी जो लिखा गया है इतना बड़ा से, और ये देखिए आप लोग,
कितना बड़ा सा लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये है चंकी का लैंडमार्क। आप लोगों को विलेज कम और एक टूरिस्ट स्पॉट ज़्यादा लगेगा, क्योंकि देखिए विलेज है पर बहुत ही अच्छा से रखा गया है इस विलेज को, और इतना सुंदर पहाड़ के ऊपर है ये। तो यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लोग भी बहुत शायद इसको मेंटेन करके रखे हैं। सो ऐसे ही अगर खूबसूरत जगह को हम लोग मेंटेन करके रखें तो कितना अच्छा लगता है देखने को। संडे का दिन है आज और हम लोग पहुंच गए हैं चंकी। संडे में जैसे आप जानते हैं जो नागालैंड का ज़्यादातर पॉपुलेशन क्रिश्चियन है, यहाँ भी ज़्यादातर लोग क्रिश्चियन ही हैं, तो सभी लोग चर्च चले जाते हैं और जितने भी इधर दुकान वगैरह है तो सभी बंद रहता है यहाँ पे। इसके वजह से आप लोगों को खाना वगैरह का दिक्कत होगा। अगर आप लोग खुद पैकिंग अगर फूड कोई लेके आ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बस संडे को, दूसरे दिन आप लोग इजीली एक्सेस कर सकते हैं कोई भी चीज़ों को, दुकान वगैरह आप लोगों को यहाँ मिल जाएगा। पर संडे आप लोग अगर विज़िट करते हैं तो ज़रूर पैकिंग फूड वगैरह कुछ भी खाने के लिए आप लोग ले आइए, अगर इधर टाइम स्पेंड करना है बहुत समय तक तो। और ये है इधर रेस्ट करने के लिए बनाया गया है एक, तो आप लोग इधर घूमते घूमते अगर थक जाएं तो रेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे आराम से एक छोटा सा ब्रेक ले सकते हैं। जस्ट ये चंकी जो लैंडमार्क है यहाँ साइड में बना हुआ है ये, हाय ये देखिए कितने प्यारी है। हेलो हेलो, से हाय, से हाय मांगो। दिमापुर जा रहा है हम लोग तो। दिमापुर जा रहा है? मोकचुंग से एक शादी में गया था। अच्छा अच्छा, इस तरफ से दिमापुर से आ सकते हैं फ्रॉम मोकचुंग। ये चंकी वो जो हाईवे है ना, वो रास्ता थोड़ा खराब है। अच्छा, इस वजह से गांव से बाईपास। अच्छा, आगे कुछ और देखने का व्यू है ऐसा यहाँ पे? ये मेरा गाँव तो नहीं है। ओह, मेनली तो मोकचुंग, ये चंकी का ये इट्स अ विलेज, इट्स द ओनली व्यू पॉइंट ओवर हियर, राइट? या ये सबसे अच्छा होगा मेरे हिसाब से, अदरवाइज I don't have much idea here. अच्छा अच्छा, ठीक है। हम लोग भी आगे आके देखता है थोड़ा। हेलो, they are making YouTube videos. They are making vlog, okay? They are from Gulagat. Okay. Gulagat, right? Hello. So good to have you in Nagaland. Okay, thank you very much. We are glad to hear. My beautiful daughter. Yes, she is very pretty. Yeah. Now she's gonna have picture with the chunky. Okay, then see you. Sure. This is our first visit, even here. Okay. Mm. Okay, then see you. See you. Okay. Recording on it. Ah. এই ফালে কি আছে? এই ফালে ফুৰিব লগা জাগা আছে? নাই নাই। ও আছে। হোটেল তো আছে। হোটেল আছে না? খাব খাব হোটেল আছে। হয় আছে আছে। আছে না? সানডে আজি খোলা আছে। না কি বললা? না চা খান তো কি বললা? ভাত না জানে। ভাত না পাই চা পাব। না? ইয়াতে সিমেন্ট্রি, চাংকি ভিউ পয়েন্ট, চার্চ আৰু এটা ভিউ পয়েন্ট টো ইমানে আছে না? এই ফালে কি আছে নি? না তাতে ইনে রিসোর্স ইটো নি না আছে পোৱা জাগা। ভিউ ভিউ পয়েন্ট আছে না? আচ্ছা আচ্ছা, দেখাব যাম, চল যাইগা। সো ওয়ান ফ্রেন্ড আই গট ফ্রম নাগাল্যান্ড, ইয়র নেম? ওয়ানিকশন। সো ওয়ানিকশন ইনকা নাম হ্যাঁ। সো ইনহোনে চাংকি ভিলেজ কা থোড়া আগে হাম লোগো কো লেকে আয়া হ্যায় দিখানে কে লিয়ে। সো ইধর সে ভি দেখিয়ে ইয়ে ভিউ পয়েন্ট দেখনে কো মিলেগা, তো আপ লোগো কো ইয়ে দিখায়েঙ্গে। সো সি ইউ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, সি ইউ, ওকে বাই বাই। जो वो भाई अभी जो आया था जो व्यू पॉइंट हम लोग को बता के गया, वो ये व्यू पॉइंट है। यहाँ से देखिए आपको पूरा ये व्यू देखने को मिल सकता है, तो बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ से। और आगे शायद कुछ होटल भी है बोले उसने खाने के लिए, तो उधर हम लोग निकलेंगे अभी क्योंकि भूख भी लगा है। सो
सुबह बस पूरी खाए थे, तो अभी जाके कुछ खा लेते हैं। मतलब पूरी खाए थे हम लोग क्योंकि आयुष को भी भूख लगा है, देखिए हम लोग पूरी खाई थी, इतना ही बढ़िया रास्ता था यहाँ का, तो सारा मतलब डाइजेस्ट हो चुका है। पूरी किस कोना में गया अभी किसी को नहीं पता, ये अभी कल सुबह ही पता चलेगा, कल सुबह पता चलेगा अब कहाँ। ये है चांकी का व्यू पॉइंट, जो सबसे ऊंचा व्यू पॉइंट है। ये देखिए बहुत ही ऊंचा, इधर से पूरा चांकी दिखाई देगा। तो चलिए ऊपर जाके देखते हैं। और देखिए ये इंडियन बैंक है इधर एक, तो चलिए आगे चलते हैं। What a view, ये मस्त है भाई। तो ये है देखिए चंकी का व्यू पॉइंट, कितना मजा व्यू है यहाँ से, आप लोग देख सकते हैं पूरा चंकी विलेज जो है दिखाई दे रहा है यहाँ से। और इतना ठंड ठंड हवा चल रहा है यहाँ पे, मज़ा आ रहा है। और मैं आपको व्यू भी दिखा देता हूँ ऊपर से। तो अभी नेक्स्ट राइड आप लोगों का कब है? अभी हम लोग देखते हैं, अभी प्लानिंग करेंगे, मेचू का जाना है एक बार। हेलो सभी को, ये देखिए अभी आप लोग जोरहाट से आए हैं, तो ये सभी भाई मिले यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा सभी को मिलके। सो थैंक यू सभी से, बहुत अच्छा लगा, मिलेंगे फिर सबसे, ठीक है? ठीक है भैया, को चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यस ओके, सब चीज दबा देना, ठीक है, थैंक यू, ठीक है, चलो मिलते हैं। यहाँ से जा रहे हैं अभी हम लोग व्यू पॉइंट से चर्च। अभी हेलो, बाय 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 बाय। इधर हम लोगों ने स्कूटी पार्क किया है और अभी चर्च विजिट करने जाएंगे। हेलो हेलो, व्हाट्स योर नेम? हाँ, देखिए कितना प्यारे बच्ची है ये। और हम लोग देखने जा रहे हैं अभी चर्च, ये है चर्च यहाँ का, देखिए चंकी का चर्च है ये, कितना खूबसूरत चर्च है देखिए। तो अंदर जाके हम लोग देखेंगे यहाँ कि कैसा लगता है अंदर, तो बहुत ही साफ सुथरा रखा गया है, बहुत ही सुंदर जगह है ये। और इसके बीच में ये चर्च, एक्सक्यूज़ मी कैन आई कम इनसाइड, आई कैन वीडियो, ओके थैंक यू। तो ये है चर्च यहाँ का, देखिए कितना खूबसूरत चर्च है यहाँ का।
हेलो हेलो। सो ये है चर्च यहाँ का, देखिए चर्च। देखिए एक प्रोग्राम हो रहा है, बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे डांस कर रहे हैं यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा लगा बच्चों के साथ मिलके, बहुत ही बहुत मज़ा आया। तो ये था हमारा चंकी का सफ़र आप लोगों के साथ। तो ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं और नए नए ब्लॉग ला सकूँ और आप लोगों को बहुत सारे जगह दिखा सकूँ। थैंक यू।